हेनरी फोर्ड साहब की जो कोटेशन है जो बहुत साल पहले उन्होंने कहा था, इसे आप बच्चे को प्रेशराइज फीडिंग के रिलेशन में भी रख के देखें। जो आप कर रही हैं क्या उससे आपका रिजल्ट चेंज हुआ? जो प्रेशराइज फीडिंग करी जाती है बच्चों को, दैट इज डन विद बेस्ट ऑफ इंटेंशन, बट रिजल्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू योर इंटेंशन। कभी आप उसे कोई ब्राइब करती हैं कि चलो तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें ये कराऊंगी, फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी या मैं तुम्हें खेलने दूंगी। कभी आप उसके साथ झगड़ा करती हैं कि तुझे खाना ही पड़ेगा, उसका मुंह भींच के खिलाती हैं। कभी आप ये रूल बताती हैं कि तुम्हारे इतने बड़े बच्चे 3 रोटी खाते हैं, तुम एक रोटी कैसे खा सकते हो। कभी आप उसको पनिश करती हैं, मतलब आप चाहती हैं वो बच्चा जो है आपके अनुसार खा ले। यू डोंट ट्रस्ट योर चाइल्ड। इनफैक्ट आपको बच्चे की भूख के लिए उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों के खाने को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, उन्हें लगता है, और खासकर अगर वो बच्चा कमज़ोर है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। और जबकि बहुत सारी बार जब मैंने देखा है कि जो बच्चे बहुत स्लिम हैं, बहुत पतले हैं, उनके पेरेंट्स भी बचपन में पतले थे, तो वो अपने ही पेरेंट्स का फिनोटाइप फॉलो कर रहे हैं, जबकि उनकी एपेटाइट अदरवाइज सही है। बट पेरेंट्स को लगता है तो बहुत दुबला पतला है, इसका क्या होगा आगे, कहीं बीमार तो नहीं हो जाएगा, और ये एंजाइटी उन्हें बच्चे के ऊपर प्रेशराइज फीडिंग के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपने बच्चे को बहुत फोर्स करके खिलाते हैं तो उसकी उस फूड के साथ एक नेगेटिव एसोसिएशन बन जाती है। वो ये समझता है कि आप प्यार में कर रहे हैं, ये तो वो समझता है, बट उसका कहीं पेट फुल होता है तो उसको वो कह नहीं पाता, उसको उल्टी आने लगती है, तो उसे लगता है ये जो फूड है ये मुझे सूट नहीं करता है, मुझे उल्टी आ रही है। या वो फूड जबरदस्ती खिलाते हुए उसके मुंह मतलब थ्रोट के अंदर कहीं पेन हो गया, कुछ हो गया, तो वो सोचेगा जो फूड है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे गले के अंदर दर्द कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव एसोसिएशन उस फूड के साथ बना लेगा। और जब कई बार आप जब नया फूड ट्राई करते हैं तो आप ये नहीं जानते कि वो नए फूड को अच्छा लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। दैट रिक्वायर्स 10-15 एक्सपोजर, अदरवाइज हम कहते हैं नियोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं आपका बच्चा कैबेज खा ले और आपने पहली बार उसको दिया, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया, तो आपने या तो उसको हार मान के बंद नहीं कर दिया, जैसे मोस्टली मदर ये करेंगे, नहीं मेरा बच्चा तो गोभी नहीं खाता, और या वो आप उसको आप बहुत ज़्यादा फिटनेस के लिए सजगें या हेल्थ के लिए सजगें तो आप कहेंगे नहीं नहीं ग्रीन वेजिटेबल्स तो खानी पड़ेगी तेरे को, आप उसको ज़बरदस्ती कैबेज खिलाएंगे और वो उसको एकदम से अच्छी लगने वाली नहीं, तो वो उसे या तो प्यूक कर देगा या उसका नेगेटिव एसोसिएशन बन जाएगा, वो कभी भी फिर आराम से कैबेज को लाइक नहीं करेगा। प्रेशराइज फीडिंग से अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चे को अपना जो हंगर की उज़ है, जैसे हमें भूख लगती है, उन्हें लगना ही बंद हो जाता है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कब स्टॉप करना है, क्योंकि वो आपने सीखने ही नहीं दिया। अब हम भी जब खाना खाते हैं तो किसी एक मोड़ पर आके तो रुकते ही हैं ना, बट बच्चा बेचारा रुकना भी चाहे तो बेबस से रुकने ही नहीं देंगे, क्योंकि मदर को तो ये है कि इसकी 3 साल का बच्चा है तो 2-3 रोटी तो इसे खानी है, तो उसकी वजह से वो जो उनका एपेटाइट और हंगर का जो आपस में रिलेशन है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। एंड लेटर ऑन जैसे उनकी क्लासें बढ़ती हैं, उनको घर में ज़्यादा रहना पड़ता है, वो ज़्यादा खाने लगते हैं और वो बच्चे ओबीस बनते हैं। आप अगर इन जनरल ओबीस बच्चों का सर्वे करें तो सब ज़्यादातर बचपन में पतले थे, तो अगर आप इस तरह से उसको फॉलो करेंगी तो आप समझेंगी कहाँ आपसे गलती हो गई। जब मेरा बेटा छोटा था तो हम कहीं घूमने गए और तो हमने उसको बोला अपने रूम से कि बेटा जाओ तुम, हम आ रहे हैं, तुम जाके ब्रेकफास्ट कर लो। जितनी देर में हम नीचे आए तो मदर ने पूछा बच्चे से कि भाई तुमने खाना खा लिया या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उसने कहा हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और मदर को तो लगा अरे इतनी जल्दी कैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसको आंखें दिखा के दोबारा बैठाया। एंड आई वाज स्टंट, क्या करें माँ का प्यार है। इट इज क्वाइट एक्सेप्शनल इफ ए चाइल्ड इज नॉट नोइंग व्हेन ही इज हंग्री। हर बच्चे को पता है उसको कब भूख लगती है और कब उसको स्टॉप करना है, कब उसका पेट भर गया, तो ऐसा तो बहुत रेयर है कि किसी को बच्चे को ये मालूम ना हो, तो इसलिए ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना और ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ईट करना खाना। तो बच्चे जरूरी नहीं है जितना आप चाह रही हैं उतना वो फिनिश कर दें या पूरी प्लेट क्लीन कर दें या बहुत आपके हिसाब से आप हटी वहाँ पे और जल्दी से वो खाना अगर खा लेता है तो ज़रूरी नहीं है वो दोबारा खाए। अगर आपके बच्चे को आपने नया कुछ न्यू फूड दिया जैसे कैबेज ही दिया, उसने लाइक नहीं करा, तो आप उसको रिजेक्शन ना समझें, उसको धीरे धीरे यूज टू करें, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट।
ऐसे ही हम सब सीखते हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं वर्ल्ड में जो सब लाइक करते हैं। अब आलू आप कहीं भी जाके खा लीजिए, सब जगह अच्छा लगेगा। बट ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ी बिटर होती हैं, तो वो एकदम से बच्चे लाइक नहीं करते। हमने भी नहीं लाइक करा होगा, वो धीरे 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 उसकी लाइकिंग एक्सपोजर के साथ बढ़ती है। अब एक्चुअली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये ना 24 घंटे का रिकॉल करें कि उसने 24 घंटे में क्या खाया है। इतना आसान नहीं है आपको याद आ जाए। आप एक फूड डायरी बनाएं, आप देखें उसको कितने स्नैक्स दिए गए हैं, आप जो पूरे दिन में कितने स्नैक्स ऑफर कर रही हैं, कितनी बार उसने खाना खाया, कब उसको भूख ज़्यादा लगी, जब वो खेल के आया तब ज़्यादा भूख लगी, या जब वो थक गया था तो उसने मना कर दिया खाने को, उसकी नींद कैसी है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जब आपको अपने बच्चे के बारे में समझनी पड़ेंगी कि उसकी एपेटाइट किस तरह से मूव करेगी। आपको अगर कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो आप पे क्या बीतेगी, आप ये सोचिए आपको भूख नहीं लग रही और आपको कोई ज़बरदस्ती खिला रहा है, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आप अपने आप को अपने बच्चे के शूज़ में रख के देखिए कि उसको कैसा महसूस होगा, वो खाना नहीं चाह रहा और आप ज़बरदस्ती कर रही हैं। उसका जो इफ़ेक्ट है वो हो सकता है क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है आपसे कुछ कह पाए, बट उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाएगी और खाने को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ईटिंग फूड शुड बी ए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, ये बच्चे के लिए एक बहुत ही प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि आपके लिए सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। क्या आपने कुछ एक टारगेट दे दिया उसको कि भाई इतना खाना ही है और आप फिर सेटिस्फाई फील कर रही हो, रादर ये आपके बच्चे के लिए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे खुश होना चाहिए जितना वो खा रहा है। देखो, मन से खाया तन को भाया, ये कहावत है और इसको आप जरूर ध्यान रखिए। जितना वो खा रहा है उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से लगेगा। आप फोर्स फीडिंग करेंगी मन दुखाएंगी तो नहीं लगेगा। ट्रस्ट योर चाइल्ड, एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत अच्छी है ये बताने के लिए कब हमें भूख लग रही है और कब ये हम फुल हो गए हैं। आप अपने बच्चे पे भरोसा करिए और उसको बताने दीजिए कब उसको भूख लग रही है और कब उसका पेट भर गया है। आप ये जो एक हमारी बॉडी की गुण है इसको अंडरमाइन मत कीजिए, इसके बहुत लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं, आप इसको ईजी लीजिए। चेक देयर पोर्शन साइज, क्योंकि कहीं आप उसे अनरियलिस्टिक पोर्शन तो नहीं दे रही है, जो उसका पाम साइज है उसी अनुपात में आप उसको जो भी खाना खिलाना चाहती हैं तो उसके पाम साइज के अनुसार दें। जैसे एक 3 साल के बच्चे के हाथ पे 3 स्ट्रॉबेरी आएंगी तो आप उसे 3 ही स्ट्रॉबेरी दें। अब आप उसे ज़्यादा देंगी तो वो फिर नहीं खा पाएगा, फिर आपको लगेगा इसने वेस्ट कर दिया, या आपने कोई और अपना खाना बना के दिया, आपको लगता है कि ये तो सारा मैंने इतनी मेहनत से बनाया इसके लिए और इसने खाया नहीं। इस तरह की सोच के साथ बच्चे की एपेटाइट को और डैमेज कर देता है। इवन मैंने देखा है बड़े बच्चों को भी बहुत सी मदर और ग्रैंड मदर खुद अपने हाथ से खिलाती हैं, उस पर भरोसा ही नहीं करती हैं कि ठीक से खा लेगा, उन्हें लगता है हम बड़े हमें पता है इसे कितना खाना है। अब ये जो फीलिंग है उस बच्चे को आगे के लिए भी बहुत डिस्टर्ब कर देती है। अक्सर जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रेरित कर रही होती है या फोर्स फीडिंग कर रही होती है तो उसके सामने दूसरा एक इंडेक्स बच्चा चल रहा होता है, जो शायद उसका भतीजा हो, जो शायद उसका बच्चे का फ्रेंड हो। तो देखिए, सबकी ग्रोथ एक तो एक जैसी नहीं हो सकती, 5 उंगलियां बराबर नहीं है पहली बात। दूसरी बात, अपना ग्रोथ चार्ट देखें कि उस पे वेलोसिटी क्या है, बच्चा किस तरह से बढ़ रहा है, कितने समय में कितनी उसकी ग्रोथ हुई है। तीसरा, एक नोन फिनोमेना है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, ये करीब 20% फैमिलीज के अंदर मिलता है। जब आप उसमें इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है फादर पहले छोटे दिखते थे और जैसी उनकी प्यूबर्टी आई, जैसी उनकी दाढ़ी मूछ आई तो उनके एकदम से लंबाई पिकअप हुई। तो यही सेम पैटर्न उस फैमिली के अंदर फॉलो होने वाला है। तो आप ऐसे बच्चे को कुछ भी करके बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा चबी नहीं बना सकते हैं। हैव पेशेंस, आपका बच्चा जानता है उसे कब खाना है, कितना खाना है। थैंक यू।